प्रिय बंधुगण, ओडिशार समस्त परिवार से धनी हो, गरीब हो, मध्यमित परिवार हो, समस्ते चाहिथांती कि सेमानकर पिलामानकु भल शिक्षा मिलु एवं सेतिपई समस्ते रेस रे मध्य लागि जांती। सेमानकर स्कूलिंग हेला, सेकेंडरी एजुकेशन हेला, इवन सेमानकु हायर एजुकेशन मध्य प्रोवाइड करिथांती। साधारणत गरीब एवं मध्यमित परिवारर लोक माने, पेरेंट्स माने तो एमाने आशा करंती सेमानक पिलामानक ठारु कि डेफिनेटली ए पिलाटी मोर गवर्नमेंट सर्विस पाइबो बा किछि ना किछि लाइफ रे गवर्नमेंट सेक्टर रे एंगेज हो। तो से समस्ते कंपिटिशन आरंभ कर कंपिटेटिव लाइन को आसी था। एवं ए कंपिटेटिव लाइन रे ना पेरेंट्स को जना थाए कि ए टाइप घोटाला से पिला सहित हाँपी जाऊँगी, ना पिलाटी को जना थाए जो पिलाटी एत मेहनत करते परिश्रम करके आसिक ये जगह पहुंचे ताकू भी जाना नए कि सहित ए टाइप असुविधा हाँपी जाऊँगी। लास्ट डिकेड हम जब आपने देखिए तेबे डेफिनेटली ओडिशार जो शिक्षा व्यवस्था रही, ओडिशार जो एजुकेशन सिस्टम रही, से पोस्टिंग रे हो किंबा जॉब स्कैम रे हो किंबा शिक्षक मानकर आंदोलन हो, ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी मानकर आंदोलन हो, जूनियर टीचर मानकर आंदोलन हो, जूनियर टीचर आशाई मानकर आंदोलन हो, सबकिछ आपन मानको लास्ट डिकेड हो देखिया पे मिलतिबो। इवन ऑफ महिला आशाकर्मी, अंगनवाड़ी वर्कर एमाने मध्य आंदोलन करिसंती, ए सब आपन माने समस्त एबे स्क्रीन रे देखि परथिबे। ओडिशार एजुकेशन सिस्टम रो प्रथम पर्याय को आमे वर्तमान आलोचना करिबा कि को टाइप रो घोटाला ओडिशार एजुकेशन सिस्टम रे होउछि, केमिति का अनियमितता होउछि। सर्वप्रथमे स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को आमे जिबा। बंधुगण, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे आमर एससीईआरटी रहउछि, जिए कि प्लस टू पास पर जो पिला माने कनिष्ठ शिक्षक हेबे सेमानक पई एंट्रेंस कंडक्ट करिथाय, जहार ना होउछि डीएलईटी सिटी एंट्रेंस। डीएलईटी सिटी एंट्रेंस सर्वप्रथमे आमर 2014 मसीहार आरंभ होला। 2014 रु 2020 मसीहा पर्यंत पूरा रेगुलर बेसिस रे एंट्रेंस जाउचे, किंतु एही वर्ष भितर केवल गोटे थर जहाँ कि 2019 मसीहार आपणको कंट्राक्चुअल बेसिस रे पोस्टिंग देखिबा पई मिलिथिबो। एवं तार गोटे नमूना आपण माने बे स्क्रीन रे देखि परथिबे। 5 जनवरी रे आमर ओपेपा जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट रो गोटे विभाग अटे, ता तरफ रु कंट्राक्चुअल बेसिस रे पोस्टिंग बाहरी थिला। बंधुगण, कंट्राक्चुअल माने आपण माने जानि परथिबे कि कंट्राक्चुअल आमर गोटे कंट्राक्ट साइन करा जाय, एवं एही कंट्राक्चुअल बेसिस रे टीचर मानको 6 वर्ष पर्यंत रहिया पई पडुथिला, एवं बहुत ही कम सैलरी मिलुथिला, जहाद्वारा कि सेमानको 6 वर्षर स्ट्रगल करिया पई पडुथिला, एवं परवर्ती समय रे रेगुलर करा जइबो बोलिका सेही प्रोग्राम रे मध्य मेंशन रहिछे। किंतु 2019 रो पोस्टिंग परे आमर जो एकेडमिक इयर आसुचि 2020, सेटा लास्ट थिला सिटी एंट्रेंस 2020 रो लास्ट पर्याय बंधुगण रही थिला। ता परे 2021 रे कोनोसी भी प्रकार एंट्रेंस नोटिफिकेशन आसिला नाही, 2022 रे नोटिफिकेशन आसिला नाही, किंतु 2023 मसीहा रे 5 अप्रैल रे बंधुगण 2023 5 अप्रैल रे डीएलईडी रो नोटिफिकेशन पुनर्बार देखिबा पई मिलिला। एवं एही जो नोटिफिकेशन बंधुगण देखिबा पई मिलिला एतिरे कोनोसी भी प्रकार रो क्लारिटी नथिला कि वास्तवरे 2 वर्षर जो सिटी कोर्स तथा डीएलईडी कोर्स बंद होता है कौन पर बंद होता तार किसी स्पष्टता नथिला। एवं वर्तमान जदि मुझे कहि 2024 मसीहा जून मस 16 तारीख बंधुगण आज को आर कले हेलानी, किंतु कौनसी भी प्रकार डीएलईडी रो नोटिफिकेशन देखिबा पई मिलू नाही। बंधुगण, डीएलईडी रो नोटिफिकेशन जदि देखिबा पई मिलू नाही तेबे 2023 रे जो नोटिफिकेशन आसीतिला सेही नोटिफिकेशन आधार रे छात्र छात्री माने प्रिपरेशन मध्य स्टार्ट केबेटु करिथिले, वर्तमान भी मध्य करुछन्ति, एही आशा नै कि ए डीएलईडी रो सिटी रो नोटिफिकेशन आमर रिलीज हबो। किंतु एपटे आउ गोटे व्याधि आसीछि जोटा कि आमर प्लस थ्री रो एडमिशन, प्लस थ्री रो अप्लाई पिला माने कन्फ्यूजन रे रहउछन्ति। जो पिला माने साधारणतः प्लस टू पास परे डीएलईडी कोर्स करिया पिन चाहन्ति कि वास्तवरे आमे प्लस थ्री रो फॉर्म पकेइबु ना सिटी को अपेक्षा करिबु, वर्तमान सेमाने द्वंद्व रे, गोटे बड़ क्वेश्चन मार्क आसुछि। वास्तवरे जदि डीएलईडी रो नोटिफिकेशन 2024 मसीह रे रिलीज करिवार नथंता बा जदि आपणकर नोटिफिकेशन आसीबार नाही तेबे डेफिनेटली स्टूडेंट्स मानको अवगत करैथांते मार्च मास किंबा एप्रिल मास रे, किंबा आमे एटा भी मध्य कहि परिबा कि जेतेबेले प्लस थ्री रो नोटिफिकेशन आसिला सेबे भी मध्य आपण गोटे आउ गोटे नोटिफिकेशन जाहिर करैथांते, एससीईआरटी जाहिर करैथांता, स्कूल एंड मास एजुकेशन जाहिर करैथांता कि डीएलईडी रो एंट्रेंस हबो नाही 2024 एवं
पचीस एकाडेमिक इयर रे जहाद्वारा कि पिला माने अन्य कोनोसी भी कोर्स करिथांते से ग्रेजुएशन हो किबा डिप्लोमा आईटीआई विभिन्न प्रकार कोर्स पिला माने करिथांते किमा अदर एग्जाम पई प्रिपरेशन करिथांते त वर्तमान ई जो आसाई माने रहिले जो माने प्रिपरेशन करछन से मानकर भविष्य कौन हबो ता पारे डीएलईडी रो नोटिफिकेशन जो आसुतिए डीएलईडी रो जो कोर्स रो जो मेरिट रहुचि सेटा वर्तमान डिमेरिट आड़ को गति करुचि तार जो पॉपुलैरिटी रहुचि सेटा डे बाय डे कमी कमी जाउचि एथिपई कि जो पोस्टिंग रहिचि से पोस्टिंग रे अनियमितता देखा जाउचि बंधुगण एपटे डीएलईडी रो एंट्रेंस रेगुलर बेसिस रो होउनि कि जदि आपनकर कोर्स बन्द करिवार अछि तबे डेफिनेटली आपन क्लारिफिकेशन मध्ये करि नियंतु जादर कि पिला माने बिल्कुल भी प्रिपरेशन करिवेनि कि डीएलईडी एंट्रेंस ओडिसा रे बिल्कुल बे होबनि ओके ई गोटा कथा होला जोटा कि संदेह घर रे छात्र छात्री मानक रखुचि जमीती का मुझे कि पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कमुच ए बंधुगण 2019 लास्ट थर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे पोस्टिंग आसी 2023 मसीहा 22 अगस्त रे आमर पोस्टिंग नोटिफिकेशन जाहिर करा जाउछ बंधुगण ए जो नोटिफिकेशन जाहिर करा जाउछ जोटा कि स्कीमेटिक प्रोग्राम रूप से जाहिर करा जाउछ स्कीमेटिक पूर्व थिला कॉन्ट्रैक्चुअल वर्तमान स्कीमेटिक करा गला स्कीमेटिक माने जो जूनियर टीचर माने पोस्टिंग पाइबे तांको सही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रो अदर ना ताको केवल चेंज करा गला किंतु फैसिलिटी सेम रहिबो तो ए टाइप रो मध्य निर्देश दिया गला स्कीमेटिक प्रोग्राम करा जे एवं स्कीमेटिक प्रोग्राम रो जो पोस्टिंग आसीतला टोटल उपरे 20,000 पोस्टिंग आसीतला एवं एने के मध्य ओसेपा तरफ रो एंट्रेंस हेतिला समस्त प्रकार कार्यक्रम आरंभ होइतला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो किंतु बंधुगण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेबे हेला बा जेबे एहारो सीबीटी रिजल्ट आसिला सेही समय रो घटना गोटे सामना को आसिला जोटा कि महाल मांडा नामक जणे आसाई बा महाल मांडा नामक जणे कैंडिडेट रो ना आसुचे सामना को एवं तांका बापांक ना जहा कि महाल मांडा प्रो मध्य रखा जाइतिला एटा गोटे निहाती बापरे गोटे निंदनीय घटना अटे ओडिसा शिक्षा क्षेत्र रे एवं किछि किछि कैंडिडेट मानकर मध्य लक्ष्य करा गला जो सेमानकर फोटो अपलोड हेतिला सीबीटी एग्जाम निमन्ते सेथिरे पक्षीर चित्र विभिन्न वन्यजन्तुंकर चित्र एमितिका भाबरे चित्र मध्ये रहितला एवं एहाकु केमितिका ग्रांट करा गला पोसेपा तरफरु आपण माने समस्त नजर मध्ये स्क्रीन रे करि परुथिले एवं जो आसाई माने पूर्वरु अनेक बसिथिले कि नोटिफिकेशन आसिबो आमे एंट्रान्स दबु सिलेक्शन पाइबु पोस्टिंग पाइबु सेमानकर भविष्यत वर्तमान कोन हबो सेमानकर साइकोलोजी इम्पैक्ट कम पडुथिबे 5-6 वर्ष परे नोटिफिकेशन आसुचि एवं नोटिफिकेशन रे एई टाइप रो कलंकरी घटुचि बंधुगण ए ने कि आसाई माने बहुत ही क्षुब्ध प्रकाश करथिले ता सहित जूनियर टीचर रे कहा जायतला कि 20,000 पोस्टिंग दिया जिवो किंतु ओसेपा 20,000 पिलां को बाछि नथिला एवं रिमेनिंग जो कैंडिडेट रहिले सेमान को पोस्टिंग मिलिबार चांसेस नाही मध्य ए कथा ओसेपा स्पष्ट भाबरे कहि देला जहा द्वारा कि कैंडिडेट माने हाई कोर्ट रो द्वारस्थ हेले एवं मेरिट जो रही थिला जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर लिस्ट रही थिला सही आधार रे सिलेक्शन हेनी बोलिका पिला माने मध्ये अभिजोग दाखल करले एवं ए नै कि ओडिसा हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर मध्ये लगेला जहा द्वारा कि वर्तमान हमर जूनियर टीचर रो जो प्रोग्राम रहिछि स्कीमेटिक प्रोग्राम सेटा स्थगित होई कि पड़िछि लास्ट टाइम हमर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बंधुगण हेतिला 20 एवं 21 जनवरी मास रे वर्तमान सुधा तार कोनोसे भी प्रकार रो रिजल्ट आसी नाही सेटा सेमितिका भाबरे अनियमित भाबरे पड़ी रहिचे त सेतिपई डीएलईडी रो जो पॉपुलैरिटी रहुची सेटा आस्ते आस्ते लोप पाउची एवं एटा थिला स्कूल एंड मास एजुकेशन एससीईआरटी रो घोटाला एससीईआरटी रो अनियमितता ओके एथिरे मध्ये ओसेपर इन्वॉल्वमेंट रहुची तापरे आमे जिबा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को उच्च शिक्षा विभाग पाखु को बंधुक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ए मध्ये कोनोसी भी पछरे पड़िनि इए मध्ये अनियमितता रे चरम शिखर सीमा रे पहुंचिचि एथिरे मुख्यतः कोर्स होउछि हमर कोन ना बीड कोर्स बंधुक जो थिरे कि आपण माने देखिथिबे कि 2400 पिलांकु पाखापाखि 94,000 पिला एथिरे फॉर्म अप्लाई करिछन्ती एवं 1:38 रेशियो पाखापाखि हमर रहउछि एवं ए जो बीड कोर्स रहिछि एथिरे हमर सेल्फ फाइनेंसिंग एवं गवर्नमेंट रो कॉलेज सीट देखिया पाए मिलुछि गवर्नमेंट रो जो कॉलेज रो सीट रहिछि 2 वर्ष रे 10,000 बिलो खर्च होतिबा बेले एपटे हमर नॉन गवर्नमेंट तथा सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रे पाखापाखि 90,000 अधिका खर्च होउछि वास्तव रे एटा गोटिए बहुत ही बड़ घोटाला अटे 90,000 गोटे पिला जे के बीड पढ़िबो आ गोटे पिला से बीड पढ़िबो से ओडिसा रे पढ़िबो किंतु 10,000 बिलो पढ़िबो एटा केते दूर सटी गोटे एवं यार जो चार्जेस रहिछि डेफिनेटली डिक्रीज होबा दरकार सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रे बहुत सारा चार्जेस रहिछै ओडिसा गवर्नमेंट रो इंस्टीट्यूशन गुडी करो जहा द्वारा कि बहुत सारा पिला माने
उच्चशिक्षार वंचित हुवन्ति एवं ओडिशा गवर्नमेंट रो जो वीड कॉलेज रही तार सीट संख्या बहुत ही कम रही थाए सेतिपई अन्य पिला माने बाहर यूनिवर्सिटी रे बाहर स्टेट रो यूनिवर्सिटी रे नाम लिखि थांति एवं इंडियन टाइम्स रो आर्टिकल अनुसार अधिकांश मेजॉरिटी पिला ओडिशा रो जहाँकि आंध्र प्रदेश रे नाम लिखि थांति एवं ता भितर एमितिका मध्ये फेक इंस्टीट्यूशन रही आंध्र प्रदेश रे जहार शिकार मध्ये साधारणत पिला माने हि थांति एवं आंध्र प्रदेश रो एजुकेशन सिस्टम रे पिला माने फसी जांति एवं से माने ए टाइप रो परिस्थिति को फेस करती जहाद्वारा कि आपने देखिथे कि बहुत सारा फेक टीचर ओडिशा गवर्नमेंट रे देखा जा बर्तमान फेक टीचर मानकर तलाशी चली बहुत सारा फेक टीचर ओडिशा बाहर यही बाहर यूनिवर्सिटी रे बीईडी कौन सी भी एजुकेशन कोर्स करके सहित से जाणीशुणी स्काम भी करूँ तो ओडिशा गवर्नमेंट रो बीईडी सीट इनक्रीज रहा कथ तो सहीटा डेफिनेटली गोटे रेसीओ बालांस रहा उचित कि एति सीट मिनिमम एति स्टूडेंट्स अप्लाई करवा उचित जदि अधिका स्टूडेंट्स अप्लाई करूँ तो डेफिनेटली आम सीट संख्या बढ़ेबू जहाँद्वारा कि जो पिला माने बाहर स्टेट रे जहाँकि बीड नाम कौन से ओडिशा गवर्नमेंट रे पढ़ी पारे और जो एडमिशन फी रही ओडिशा इंस्टीट्यूशन रे लागी परिबो ओडिशा इंस्टीट्यूशन रे ओडिशा राजस्व रे से सब लागी परिबो बंधुगण एबे आमे जिबा आमर टीईटी डिपार्टमेंट को टीईटी डिपार्टमेंट कौन ना जदि गोटे पिलाटी कौनसी भी टीचिंग एग्जाम रो ट्रेनिंग नौचे ओडिशा रे टीचर हवा पई ताको टीईटी एग्जाम दवा पई पड़ो एवं टीईटी एग्जाम को दुई भाग रे भाग करा जाय गोटे होची ओटीईटी गोटे होची ओएसटीईटी ओटीईटी क्लास एक रु क्लास आठ पिला को पढ़ा पई इलिजिबिलिटी टेस्ट अटे ओएसटीईटी सेकेंडरी लेवल रो पिला मानको तथा नाइन्थ एवं टेन्थ क्लास पिला मानको पढ़ा पई इलिजिबिलिटी टेस्ट अटे एवं एही उभय ओटीईटी एवं ओएसटीईटी एग्जाम कंडक्ट कराए किए ना आमर बीएससी ओडिशा तथा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बंधुगण आमर एनसीटी रो गाइडलाइन अनुसारी डेफिनेटली प्रत्येक शिक्षा वर्ष रे आमर टीईटी एग्जाम कंडक्ट होबा उचित एवं आमर सीबीएसई तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गोटे एंट्रेंस कंडक्ट करोचे सीटीए जोटा के सेंट्रल लेवल रे एहा वर्ष को दुई थरा कंडक्ट होउचे किंतु ओडिशा रे आमर जो एनसीटी रो गाइडलाइन रहिचे सेटा को भंग करा जाउचे मिनिमम भी गोटे थरो भी वर्ष को सठिक भाबरे एंट्रेंस हेई पारु नाही आपण माने जदि ओटीईटी रो एग्जाम कथा देखिबे सेटा आमर 2022 शिक्षा वर्ष रो ओटीईटी जोटा कि 23/6/2023 रे आमर हेतिला सेई टाइप रो 2024 रे आमर ओएसटीटी एग्जाम कंडक्ट हेतिला जहा कि 19/1/2024 बंधुगण 19/1/2024 रे ओएसटीटी एग्जाम कंडक्ट हेकि आज जून मास 16 तारीख एजा बोथ भी ओएसटीटी रो रिजल्ट आसी परिला नाही ए टाइप रो अनियमितता देखा जाउची ओडिशा रो टीटी क्षेत्र रे एवं रेगुलर बेसिस रे स्वच्छ भाव रे एंट्रेंस होउनी रेगुलर बेसिस रे गाइडलाइन फॉलो करा जाउनी एबे हमें डायरेक्ट नजर पकेबा आमर गवर्नमेंट रो जो एग्जाम उपरे जो थे कि डायरेक्ट पोस्टिंग दिया जाए थे जमीका तार बहुत सारा डिपार्टमेंट रोचे ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी होम डिपार्टमेंट एक्सेट्रा बंधुगण एबे रिसेंटली यही किसी मास तले किसी वर्ष तले आपने देखे थे बहुत सारा घोटाला ओडिशा गवर्नमेंट रे देखापी मिली ता भितर आमर ओएसएससी जेई पेपर लिक हो ओपीएससी एएसओ रे अनियमितता हो आरआई एआरआई अमीन रे घोटाला करथिबा आईएएस अफिसर होंतु पंचायत एग्जीक्यूटिव अफिसर जो रही से घोटाला हो जॉब्स काम हो ये सब देखापी मिली बंधुगण ये सब घटना जो घटुची एटा कौन भी प्रकार नुआ नुहे कि गोटे थर होगा ओडिशा गवर्नमेंट आउ हो ये सब घटना लास्ट दशंधि धरी ही आसुची एवं बहुत मात्रा रे होउची एवं वर्तमान आमर जो शिक्षा व्यवस्था रही बहुत ही धराशायी हो जाए वर्तमान नुआ गवर्नमेंट रो फॉर्मेशन होई नुआ शिक्षामंत्री आसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रे तो देखिबा कौन सब चेंजेस आसुची आशा करूची बहुत सारा चेंजेस ओडिशा गवर्नमेंट आणिबो